फिल्म में नजर आने वाले हैं बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन। किस एक्ट्रेस का सपना हो रहा है पूरा? क्या खास रहा ऋतिक के बर्थडे में इस बार? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब को लेकर हम हाजिर हैं इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां रोज आपको मिलता है नई और लेटेस्ट फिल्मों से जुड़े फैक्ट्स का डोज। आज हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन स्टारर अपकमिंग फिल्म फाइटर की। हाल के दिनों में इस फिल्म की काफी चर्चा रही है। वैसे तो जिस फिल्म में ऋतिक रोशन जैसे अभिनेता शामिल हो वो तो चर्चा में रहती ही है, लेकिन फाइटर और भी कई वजहों से सुर्खियों में है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में। वॉर जैसी सुपरहिट मूवी डायरेक्ट कर चुके सिद्धार्थ आनंद एक बार फिर ऋतिक रोशन के साथ फाइटर में नजर आएंगे। अपने 47वें बर्थडे के दिन ऋतिक रोशन ने फाइटर फिल्म के अनाउंसमेंट टीजर को रिलीज किया। अब जैसे ही इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई वैसे ही इससे जुड़े फैक्ट सामने आने लगे। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि इस फिल्म में ऋतिक के ऑपोजिट दिखने वाली है हमारी और आपकी सबकी चहेती एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। जी हाँ, फाइटर पहली ऐसी फिल्म है जिसमें दीपिका और ऋतिक एक साथ नजर आने वाले हैं। दीपिका भी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रही है। जैसे ही ऋतिक ने फाइटर की टीजर को ट्वीट किया वैसे ही दीपिका ने भी बिना देर किए टीजर को ट्वीट करते हुए ये बताया कि सपने जरूर पूरे होते हैं और इसी सपने की बात हम भी शुरू में कर रहे थे। दीपिका ने पहले ही इस फिल्म के बारे में हिंट दिया था। जब ऋतिक ने दीपिका के बर्थडे के दिन उन्हें विश किया तो दीपिका ने उन्हें थैंक यू के साथ साथ ये भी कहा कि बस कुछ ही दिनों बाद ऋतिक के बर्थडे के दिन दो खुशी की खबर मिलने वाली है। और दूसरी खबर थी फाइटर की अनाउंसमेंट। फाइटर के टीजर को देखकर ऐसा लगता है कि ये फिल्म एक्शन और देशभक्ति से भरपूर होने वाली है। इतना ही नहीं, कुछ खबरों की माने तो ऋतिक शायद इस मूवी में पायलट के रोल में नजर आने वाले हैं। पहले भी ऋतिक ने सिद्धार्थ आनंद के साथ बैंग बैंग और वॉर जैसी मूवीज की है, तो उसी जोड़ी को आगे बढ़ाते हुए फाइटर फिल्म ने भी ऋतिक से एक पावरफुल परफॉर्मेंस की उम्मीद रखना गलत नहीं होगा। फाइटर वैसे तो 30 सितंबर 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, पर इस फिल्म से जुड़ी जानकारी हर 2-3 दिनों में रिलीज होती ही रहती है। तो अगर आप भी ऋतिक और दीपिका के फैन हैं और उन्हें एक साथ देखने के लिए एक्साइटेड हैं और साथ ही साथ फाइटर फिल्म से जुड़ी कोई भी अपडेट को मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। फिर हाजिर होंगे एक और फिल्म से जुड़े फैक्ट्स को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।